हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए प्राउड मोमेंट फॉर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब ये सारा का सारा क्या है, उससे पहले यहाँ के टाइटल पे फोकस करते हैं वो, और वो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ARIIA। अब ये रैंकिंग क्या होती है ये सारा मैं आपको बता दूँ, बट इससे पहले ये बता दूँ कि प्राउड मोमेंट क्या है। सो दिस इज वॉट द प्राउड मोमेंट इज, कि पूरी की पूरी इंडिया में एक लिस्ट बाहर आई है जिसमें है गवर्नमेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूट की रैंकिंग, जिसमें से गुजरात की एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का इस साल का रैंकिंग हुआ है 3। अब ये रैंकिंग कौन डिसाइड करता है, क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। बट इससे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए काफी प्राउड मोमेंट। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको टाइटल दिखाया है और वो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। सो सबसे पहले होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अंडर आते हैं काफी सारे मिनिस्ट्रीज, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, होम मिनिस्ट्री आती है, फिर ये सारी की सारी मिनिस्ट्री होती है, उसमें से एक आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हर साल के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट करके एक रैंकिंग डिक्लेयर करते हैं, जिसमें कि सिस्टमेटिकली सब सारी की सारी कॉलेज पार्टिसिपेट करती है और उसमें से रैंकिंग अलर्ट होती है। और ये किसके लिए होता है, ये सिर्फ होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज के लिए। तो ये सारे का सारा होता है ARIIA के मदद से, और उसमें सारी की सारी रैंकिंग अलर्ट होती है, और ये सारी की सारी रैंकिंग आपको उसकी वेबसाइट पर से दिख जाएगी। सो इसकी वेबसाइट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, आप वहां से भी आप चेक कर सकते हो। और ये कब हुआ है, आज 31 दिसंबर, यानी कि 2-3 दिन पहले ये रैंकिंग डिक्लेयर हुई है इस साल के लिए, यानी कि अगले साल के लिए। अब इसमें क्या किस तरह से रैंकिंग होती है, तो टोटल 7 रैंकिंग होती है ARIIA में, और ये सारी की सारी रैंकिंग है, जिसमें से पहली होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंट, उसमें से 10 रैंकिंग हुई है। दूसरे में आती है स्टेट यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसमें से भी 10 रैंक, टोटल 10 पूरे के पूरे जितनी भी यूनिवर्सिटीज अप्लाई करती है उसमें से टॉप 10 रैंकिंग निकलती है। तीसरी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज पूरी इंडिया में कौन सी अच्छी है, उसमें निकली है 5 रैंक, टॉप 5 रैंक। उसके बाद आता है कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, और ये होता है सेल्फ फाइनेंस और प्राइवेट, और ये है गवर्नमेंट के लिए। अब प्राइवेट की बात करें तो उसमें भी 10 रैंकिंग्स हुई है। फिफ्थ पे है प्राइवेट कॉलेज और इंस्टीट्यूट, जिसमें भी इस साल 5 रैंकिंग हुई है। अगर हम सिक्स की बात करें तो जिसमें आता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी CFIs, जिसमें से 2 रैंकिंग निकली है, और लास्ट में है जनरल नॉन टेक्निकल, जिसमें से 5 रैंकिंग निकली है। सो इसमें से मैं यही जो इंपोर्टेंट है वही आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें नंबर आता है 3, नंबर आता है 4 और नंबर आता है 7। ये तीनों में ही गुजरात की कॉलेजेस आई है, बाकी किसी में भी गुजरात की कॉलेजेस नहीं आए। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने ये स्लाइड तो आपको ऑलरेडी दिखा के रखी है, ये है नंबर 3 की रैंकिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जिसमें से इस साल टोटल टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स डिक्लेयर हुई है, जिसमें से सबसे पहले आता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो महाराष्ट्र में है, दूसरे पे है PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु से, और तीसरे पे आती है गुजरात का गौरव, गुजरात की प्राइड, यानी कि LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका रैंकिंग हुआ है 3। अब ये है गुजरात की कॉलेज। फोर्थ पे आई है थाजरगल्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तमिलनाडु की, और फिफ्थ पे है वीरामटा जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र, यानी कि 2 महाराष्ट्र से, 2 तमिलनाडु से, और गुजरात की एक कॉलेज आई है गवर्नमेंट कॉलेज टॉप रैंकिंग में, टॉप 5 में, और वो है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दूसरी बात करें कि वो है स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, और वो है टेक्निकल, जिसमें से गुजरात की है गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यानी कि GTU, और लास्ट में है 9th नंबर पे गुजरात यूनिवर्सिटी। सो ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं बट यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, उसमें से टॉप 10 रैंकिंग में गुजरात की 2 यूनिवर्सिटीज आई है, जिसमें से 7th पे है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और 9th पे है गुजरात यूनिवर्सिटी। अब इसके अलावा भी बात करें तो यहाँ पे एक और रैंकिंग की कैटेगरी है, जिसमें है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और ये आता है 4th पे। अब इसके अंदर गुजरात की जो पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटीज है, इसका भी रैंक आया है, और इसके अलावा सूरत की एक कॉलेज है जिसका नाम मुझे नहीं पता है, वो आप ये वेबसाइट पर से देख सकते हो, उसका रैंक फर्स्ट आया है नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, और वो है गुजरात के सूरत से। सो ये ओनली 4 कैटेगरी है, जिसमें से गवर्नमेंट में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी GTU, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, प्राइवेट कॉलेज में आई है PDPU पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, और नॉन टेक्निकल में आई है
सूरत की कोई कॉलेज, तो इतने ही कॉलेज है गुजरात की जिनको ARIIA में इस साल रैंकिंग अलॉट हुई है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट आपको नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो ये गुजरात समाचार का ये एक पोस्ट है जिसमें से मैंने आपको दिखाया कि इनोवेशन रैंकिंग GTU और गुजरात यूनिवर्सिटी देश की टॉप 10 में है। इसके अलावा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टॉप 5 में आई है, और नई नॉन टेक्निकल कैटेगरी में ये जो मैंने आपको पहले बोला था ना कि मेरे कॉलेज का नाम नहीं पता, यहाँ पे लिखा है EDII, ये देश में फर्स्ट नंबर पे आई है और वो है सूरत में से। सो ये आप आर्टिकल भी देख सकते हो, यहाँ पे है ये पूरा का पूरा वीडियो। सो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की लेटेस्ट रैंकिंग आपको दिखाने के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन, इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।